नमस्कार दोस्तों, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, एक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि 4 जून के बाद देश की तस्वीर क्या होगी, क्या हालात होंगे। हम इस पर एक खुलासा करने जा रहे हैं। शतरंज की राजनीति के बिसात पर मोदी और शाह कितने पिटेंगे और उनके मोहरे कितने काम आएंगे, क्या चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए उनको देश की बागडोर फिर से सौंपेगा, ईवीएम की धांधली के जरिए क्या वो फिर से सत्ता प्राप्त करेंगे, किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, मुद्दों के आधार पर राजनीति न करके केवल हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और भैंस पर राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी आज चिंतित नजर आ रहे हैं। अमित शाह का बयान ये दर्शाता है कि जिस तरह से पांचवें चरण के बाद हम 300 पार, सातवें चरण के बाद 400 पार, जिस तरह से ये उनकी बौखलाहट बताती है कि वो कितना सक्षम है, जिस तरह से साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में जो गहमागहमी चल रही है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, किस तरह से सेना के अध्यक्ष को एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं। केवल युद्ध की स्थिति और बॉर्डर पर तनाव होने की स्थिति पर ही सेना के जो जनरल होते हैं उनको उसी समय एक्सटेंशन दिया जाता है, मगर ऐसे हालात नहीं है, सामान्य हालात चल रहे हैं देश में। और इस तरह से मोदी नौकरशाहों के तबादले में जुटे हुए हैं, लगातार 2-3 दिन से अपने आवास पर और पीएम हाउस के जरिए वो तबादलों का दौर शुरू है। इस तरह से नौकरशाहों में एक बौखलाहट नजर आ रही है, क्या सत्ता बदल रही है, क्या मोदी इस बार हैट्रिक करेंगे या नहीं करेंगे, क्या जनता इस बार मोदी को हदपार करेगी, क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में वापस आएगा। नौकरशाह इस बात से चिंतित हैं कि क्या अगर मोदी सत्ता से बाहर होते हैं तो नौकरशाहों का क्या होगा, क्या राहुल गांधी की जो चुनौती है, राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनौती दी है कि हम सत्ता में आने के बाद हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सभी संस्थाओं को देखेंगे, क्या ये बौखलाहट नौकरशाह में नजर आ रही है। मोदी का जो आकलन है, मोदी को जिस तरह से आरएसएस के बलबूते 400 सीटों का जीतने का जो अनुमान है, वो किस बलबूते पर, किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये कोई समझ नहीं सकता। लेकिन ये बात लगभग तय मानी जा रही है, उनका विश्वास या तो ईवीएम मशीन की धांधली पर है, या तो उन्हें ये जनता तो कतई मोदी को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो माहौल बताया जा रहा है, 486 अब तक सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, केवल 57 सीटों का चुनाव 1 तारीख को होना है। लेकिन अब ये देखना है कि मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनके अंदर एक बुकलाट हो रही है, जिस तरह से रायसीना हिल पूरी तरह से गहमागहमी चल रही है, क्या राष्ट्रपति मुर्मू को पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अगर अल्पमत में आते हैं, अगर हमारी संख्या कम होती है, तो क्या सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति मोदी सरकार को देंगे, तो ऐसी कुछ स्थितियां अंदर खाने चल रही हैं। ये सोलापुरनामा की एक विशेष रिपोर्ट है, चुनाव के बाद कैसे और क्या होने वाला है, ये सोलापुरनामा अपने दर्शकों को बता रहा है। धन्यवाद।